हेलो दोस्तों, एविलेनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग एनिग्मस रेडियोज की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और भी गहरे और मिस्टीरियस राजों से जुड़ते जा रहे हैं, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसे सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये बात सच है और गूगल पर भी पोस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द लास्ट फ्लाइट। इस बात को बहुत सीक्रेट रखा गया और इससे जुड़े सारे राज कॉन्फिडेंशियल। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो की फ्लाइट EWA 513 वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ पोर्टो एलग्रे के लिए टेक ऑफ हुई। ये यात्रा लगभग 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ घंटों बाद ही फ्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। बहुत दिन बीत गए और कुछ पता नहीं चला इस फ्लाइट का। फिर इस फ्लाइट का सर्च मिशन शुरू हुआ कि किसी तरह इस फ्लाइट को ढूंढ लिया जाए, पर कुछ सालों में वो बंद हो गया और लोगों ने मान लिया कि ये फ्लाइट अब कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा आसमान निकल गया, वहीं कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, पर उनकी बातों का कोई वजूद नहीं था। इन सब बातों के बाद कुछ सालों तक सैंटियागो एयरलाइंस चली, उसके बाद इस एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि 92 लोगों में से किसी का कुछ पता नहीं चला कि वो आखिर कहाँ गए, और ना ही कोई ऐसी एक्सीडेंट की खबर आई। तो फिर ये प्लेन गया कहाँ? अब दोस्तों, इस वीडियो में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप लोग ये कहोगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, EWA 513 को लगभग उड़े हुए 35 साल हो चुके थे और 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलग्रे की रडार में एक अननोन प्लेन दिखा जो पोर्टो एलग्रे के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ और मेंबर्स इस प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइंस देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित रह गए। इन लोगों के लिए हैरानी की बात इसलिए भी थी क्योंकि अचानक बिना किसी वार्निंग के ऐसे अननोन प्लेन कैसे लैंड कर सकता है। एयरपोर्ट पर बैठे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे भी हुए थे और एक्साइटेड भी। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि अगर कौन सी फ्लाइट है ये और कहाँ से आई है ये। ये सब इस फ्लाइट की लैंडिंग के बाद ही पता चल सकता था। ये अननोन फ्लाइट सही सलामत लैंड हुई। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ दौड़कर इस फ्लाइट की ओर गए और जो सबसे पहले चीज़ देखी वो थी EWA 513 वाली सैंटियागो एयरलाइंस, जो करीब 35 साल पहले ही टेक ऑफ हुई थी और कुछ ही घंटों बाद रडार से गायब हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वीडियो तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले कुछ सेकेंड्स में और भी कई राज इस प्लेन के अंदर खुलेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बहुत कोशिश की कि इस प्लेन के अंदर बैठे पायलट से बात हो सके, पर बात नहीं हो पाई। और कुछ समय रुकने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने एयरप्लेन के दरवाजे को खुद खोलकर अंदर जाने का फैसला लिया। अंदर जाने के बाद जो वहाँ के लोगों ने देखा वो देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि अंदर सीट पर स्केलेटन्स थे जो सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये काफ़ी डरावनी बात थी कि जो इंसान सीट पर बैठा होगा टेक ऑफ के समय, उसने सीट बेल्ट लगाई। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लेकिन लैंडिंग के बाद वो इंसान नहीं रहे और वो स्केलेटन बन गए। अब अंदर का नज़ारा काफ़ी एनिग्मस था और इसका जवाब सिर्फ पायलट दे सकते थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ इस फ्लाइट की जर्नी के दौरान कि सब लोग स्केलेटन बन गए। सभी सिक्योरिटी के लोग दौड़कर प्लेन के पायलट की ओर गए, यानी कॉकपिट की तरफ। पर जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो पता चला कि पायलट्स भी अब स्केलेटन बन चुके हैं और पायलट्स के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन पैनल पर हैं। इन सारी घटनाओं को वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी। अब इस घटना से कई सवाल खड़े हुए कि आखिर कैसे ये सब पॉसिबल है, क्यों कॉन्फिडेंशियल रखी गई इस फ्लाइट की स्टोरी, कैसे उस प्लेन में लैंडिंग की, क्या लैंडिंग के समय स्केलेटन्स में जान थी और लैंड होते ही वो स्केलेटन में से जान चली गई। ये सारे सवाल हमारे दिमाग की तरह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर
के दिमाग में भी आए और उन्होंने रिसर्च शुरू की। कई कॉन्क्लूजन्स भी सामने आए। इन कॉन्क्लूजन्स को सामने लाने वाले थे डॉक्टर टीलो, जो समय के काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्होंने ये कॉन्क्लूजन दिया कि 4 सितंबर को फ्लाइट टेक ऑफ हुई और उसके बाद टाइम बबल में एंटर हुई और वो सीधा 1989 में लैंड हुई। सीधे भाषा में बोला जाए तो ये प्लेन यानी EWA-513 टाइम ट्रेवल करके 1954 से 1989 में लैंड हुआ। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर कोई नहीं दे पाया, जैसे कि आखिर स्केलेटन ने कैसे वो प्लेन लैंड कराया, कौन से ऐसे राज थे जिसे वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा। आप लोगों को क्या लगता है, कौन से होंगे वो राज जिन्हें वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्द लौटेंगे ऐसे ही किसी एनिग्मा स्टोरी के साथ।